Hi viewers, this is Fatima. If you like my recipes, go ahead and click on the subscribe button. Next to it, you will see a bell icon. By clicking on that, you will get notifications for my recipe first and free. If you like the videos, give me a thumbs up. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फातिमा। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो लाहौर की सबसे फेमस और बहुत ही मशहूर रेसिपी है, बट कढ़ाई। वो भी मटन में हम बनाएंगे, और ये है लक्ष्मी चौक की। तो चले इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं, 6 से 7 मैंने हरी मिर्च को चॉप किया है, 1 इंच की अदरक को मैंने चॉप किया है, 1/2 कप मैंने इसमें हैवी क्रीम लिया है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 मीडियम प्याज को चॉप किया है, 2 टेबल स्पून बटर यूज करेंगे, 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम योगर्ट यूज करेंगे, 4 अदद मैंने यहाँ पे टमाटर के यूज किए हैं। इसको मैंने इसके छिलके उतार के इसको पीसेस में कट कर लिया है। स्पाइसेस यहाँ पे मैं यूज करूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक हसबे जायका। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा डाल लें। तो चलें इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने मटन का गोश्त लिया है 1.5 पाउंड, जिसको मैंने 2 कप पानी डाल के 5 मिनट के लिए इसको मैंने बॉयल कर लिया था इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसका फ्लेम ऑन करेंगे मीडियम। फ्लेम हमने इसका ऑन कर लिया है। इसके साथ इसमें हम प्याज को डालेंगे, सबसे पहले टमाटर डालेंगे, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी। यहाँ पे हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। इसके साथ ही हम यहाँ पे इस प्रेशर को बंद करेंगे। और गोश्त को हम गलने के लिए रख देंगे 20 से 25 मिनट तक। तो फिर मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। यहाँ पे गोश्त को गलते हुए 20 मिनट्स हो गए हैं। इसका फ्लेम मैंने बंद कर लिया है और अभी बस इसको 5 मिनट हुए हैं। इसका मैंने प्रेशर निकाल लिया है, तो इसको हम खोलते हैं। इस गोश्त को हम ट्रांसफ़र करेंगे अब कढ़ाई के अंदर। तो यहाँ पे इस कढ़ाई का फ्लेम हमने ऑन कर लिया है मीडियम, और इसमें हम गोश्त को ट्रांसफ़र कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है। यहाँ पे इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट को डाल देंगे, मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन पानी थोड़ा सा रह गया, इसको हमें और सुखाना है। तो इसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे आके हम 1/2 कप इसमें और ऑयल को डालेंगे, इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो गोश्त हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है, बहुत अच्छे से गल गया है। यहाँ पे बस हम इसको थोड़ा सा इसका पानी हम सुखाएंगे। तो यहाँ पे पानी खुश हुए हुए हमें 15 मिनट हो गए हैं। हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम यहाँ पे दही को डालेंगे। यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही को। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, हमने दही के साथ गोश्त को भून लिया है। फिर थोड़ी सी हम अदरक को डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च,
इसमें हम बटर को डाल देंगे। इसके साथ इसमें हम यहाँ पर ज़ीरा, काली मिर्च, गरम मसाला और कुटा हुआ धनिया डाल देंगे। हम मिक्स करेंगे अच्छे से। मैं थोड़ा सा भूनेंगे मसाले में। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, गोश्त को भून लिया है हमने अच्छे से। इसके साथ इसमें हम यहाँ पे हैवी क्रीम को डालेंगे, हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बट मटन कढ़ाई रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं इसका फ्लेम बंद। चलिए इसको हम डिश आउट करते हैं। यहाँ पे लक्ष्मी चौक की बट मटन कढ़ाई रेडी है। तो चले मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको कैसी बनी है। बहुत ही मज़े की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लक्ष्मी चौक पे ही वहाँ पे बैठ के रेस्टोरेंट में ये खा रही हूँ कढ़ाई। एब्सोल्युटली बहुत ही मज़े की है ये। आप इस कढ़ाई को लाहौरी कुलचे से ट्राई करिएगा। और बेसिकली ये जो कढ़ाई है वो नान से बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।